अ वेरी वेरी गुड विश टू ऑल व्यूअर्स ऑफ दिस चैनल माई सेल्फ हरीश गंगवार वेलकम यू ऑल इन एक्सीलेंस इंग्लिस क्लासेस और आज हम एक्सप्लेन करेंगे समरी को पहले हम समरी देखेंगे उसके बाद एक्सप्लेनेशन होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट फोर एंड सीन टू की तो समरी में हमें देखने से ये पता चलेगा कि जो ट्रायल सीन था वो सक्सेसफुल हो चुका है और एंड आफ्टर दैट पोशिया एंड एलिसा आर जस्ट लिविंग टू बेलमोंट एंड दे वॉन्ट टू रीच बेलमोंट बिफोर देयर हजबेंड्स एंड बोथ ऑफ देम ऑल्सो ट्राई टू परसुएट देयर हजबैंड टू गिव देम रिंग एंड दे विल फाइट लेटर इन द एक्ट फाइव दैट दे हैव गिन द रिंग टू एनी अदर पर्सन तो ये एक, एक स्वीट वाले झगड़े का एक रीज़न बनेगा तो इसलिए वो दोनों उनसे अंगूठी लेने की कोशिश करती हैं और कामयाब रहती हैं तो इसमें चलते हैं आगे डियर स्टूडेंट दिस इज एक्ट फोर एंड सीन टू सेटिंग इज़ वेनिस ये सीन जो है वेनिस में है बिल्कुल कोर्ट रूम के बाहर का जब वो लोग लीव करते हैं कोर्ट को कैरेक्टर्स आर पोर्शिया और नैरिसा एंड ग्रेसिया नो ओनली थ्री थ्री कैरेक्टर्स इन दिस सीन एंड व्हाट इज द समरी पोर्शिया आस्क ना टू गो एंड टू गेट द सिग्नेचर ऑफ शायलॉक ऑन द डीड ऑफ गिफ्ट पोर्शिया नरिसा से कहती है कि एक डॉक्यूमेंट है डीड ऑफ गिफ्ट जिसो जो एक वसीयत है शाइलॉक की इस पर शाइलॉक के सिग्नेचर लेने हैं और सिग्नेचर के बाद शाइलॉक के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो लॉरेंजो और जेसिका की हो जाएगी शी ऑल्सो टेल्स हर दैट दे शुड रीच बेलमोंट अर्लियर दैन यस्बेंड्स वो ये भी कहती है कि जल्दी करो ये काम जल्दी से निपटा लो क्योंकि बैलमोंट पहुँचना है रातों रात क्योंकि अगले दिन उनके हस्बैंड यानि बेसनियो और ग्रेशियानो पहुँचेंगे तो उनसे पहले पहुँचना है जिससे पता ना चले कि पोर्शिया और नरिसा गायब थीं कहीं पर इन द मीन टाइम ग्रेशियानो ओवरटेक्स पोर्शिया एंड हैंड्स ओवर रिंग टू हर। बिल्कुल उसी टाइम पर ग्रेशियानो पोर्शिया को ओवरटेक करता है और बेसनियो की रिंग उसके हाथ में रख देता है क्योंकि एंटोनियो ने कहा था बैसनी से कि बैसनियो एक रिंग की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जैसे किसी इंसान की लाइफ की वैल्यू होती है तो दे दो उसको खुश करो जिसने इतना बड़ा काम किया है तो ग्रेशियानो को अंगूठी लेकर भेजा जाता है और वो बैसनी की रिंग पोर्शिया को दे देता है पोर्शिया एक्सेप्ट द रिंग फ्रॉम ग्रेशियानो एंड आस्क हिम टू तो शो शायलॉक्स हाउस टू नरेसा तो पोर्शिया रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है और नैरिसा से बोलती है कि शाइलॉक का घर जाओ और ग्रेशियानो से कहती है कि प्लीज़ जो हमारा क्लर्क है उसको हेल्प करो शाइलॉक का घर दिखाने के लिए तो ग्रेशियानो और दोनों एक साथ हो जाते हैं नैरिसा टेल्स पोर्शिया डेट शी विल आल्सो ट्राई टू तो परसुड हर हस्बैंड टू तो गिव हर रिंग शी गिवन गि अब नैरसिया पोर्शिया से चुपके से बात करती है नैरिसा कि पोर्शिया से कहती है कि जैसे आपने अपने हस्बैंड की रिंग ले ली तो मैं सोच रही हूँ काश मुझे भी किसी तरह से रिंग मिल जाए कितना अच्छा हो दिस विल प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू क्वेरल विद देयर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड तो एक मौका मिलेगा उनको अपने हस्बैंड से झगड़ने का इस वजह से दैट दे हैव गिवन दियर रिंग्स टू टू यंग वूमेन की उन्होंने अपनी अंगूठी किन्हीं दो नौजवान लेडीज़ को दी हैं दे ऑफ कोर्स डिनाय द चार्ज और वो दोनों इस बात को रिजेक्ट करेंगे कि वो अंगूठी किसी लेडी को नहीं बल्कि दो जेंटलमैनस को दिए हैं बट दे आर कंसेलिंग द ट्रूथ लेकिन वो पोर्शिया बोलेंगी बार बार कि नहीं तुम सच्चाई छुपा रहे हो ये है वो है तो लड़ाई का मौका मिलेगा तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है सीन का द सीन इन्फॉर्म्स अस दैट नरिसा टू विल ट्राई टू गेट द रिंग फ्रॉम ग्रेशियानो वी आल्सो कम टू नो दैट पोर्शिया एंड नरिसा आर इन अ हरी हमें यह भी पता चलता है पोशिया और नरिसा बहुत जल्दी कर रही हैं जिन्हें पहुंचना है बेलमोंट के लिए और नरिसा अपनी अंगूठी लेने की कोशिश करती है दे एंटिसिपेट ह्यूमरस सिचुएशन वन दे कन्फ्रंट दियर हस्बैंड तो वो एंटिसिपेट यानी होप करती हैं कि जब उनके हसबैंड से उनका आमना सामना होगा और अंगूठी उनकी गायब रहेगी उनकी उंगली से तो कितनी ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट होगी हंसने का मौका मिलेगा और वो लोग परेशान हो जाएंगे सिग्निफिकेंस क्या है दिस स्मॉल सीन इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल सीन एट ट्रायल सीन का ही कंटिन्यूएशन है वी आर बींग प्रिपेयर फॉर द इंटरल्यूड एंड द सीन इन द लास्ट एक्ट लास्ट सीन जो है रिंग एपिसोड की तरह सेलिब्रेट होता है वहाँ पर रिंग के बारे में बात होती है कस्में वादे तोड़ने की निभाने की वादे जो पुराने थे उनको याद दिलाया जाता है बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो पोर्शिया हंसकर दिखा देती है कि ये अंगूठी तो नहीं है कहीं लेकिन वो ये नहीं बताती है कि कैसे क्या बाद में बिल्कुल लास्ट में बताती है कि हाँ हम पोर्शिया और नहरी साहब वहाँ गए थे कोर्ट में तो समरी यहाँ तक है आप देख लीजिए इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन वॉच करना है ध्यान से पूरा वॉच करना चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट है थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अ वंडरफुल डे